हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ मीरा निकी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्यूचर डायरी। आज हम इसके एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनाता के फादर हिनाता को बता रहे होते हैं कि जो आजकल जो मर्डर्स हो रहे हैं, उन सब के लिए जिम्मेदार वही होते हैं और उन्होंने ये सब मर्डर्स किए होते हैं। और दोस्तों, वो आगे उसको ये भी बताते हैं कि एक सर्वाइवल गेम का पार्ट है वो, और उसके रूल्स और ये सब भी बताते हैं कि इसमें बाकी डायरी ओनर्स को उनको मारना पड़ता है, तब जाके वो गेम में आगे प्रोसीड करते हैं। दोस्तों, वो हिनाता को ये भी बता देते हैं कि वो डीएस को सक्सीड करना चाहते हैं और नेक्स्ट गॉड बनना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को एक साथ ला सकें फिर से। और दोस्तों, इसके लिए उनको हिनाता की हेल्प चाहिए, क्योंकि जो अक्सर यारू होता है वो उस पर स्पाई कर रहा होता है, मतलब उसकी जासूसी कर रहा होता है। और दोस्तों, उसे शक हो जाता है कि डायरी ओनर होता है हिनाता का फादर। तो दोस्तों, इसलिए उसके फादर को हिनाता की ज़रूरत होती है अक्सर यारू को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अक्सर यारू के पास भी एक डायरी होती है। उसके बाद दोस्तों, सीन चेंज होता है और हमें करंट टाइम में ले आ जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिनाता और उसकी फ्रेंड माओ ने अक्सर यारू को एकदम कॉर्नर कर लिया होता है। उसके बाद दोस्तों, जो अक्सर यारू होता है वो इन दोनों को एक गेम प्रपोज करता है उसकी डायरी के बदले में। वो कहता उस गेम में दोस्तों क्या होता है, अक्सर यारू जो होता है वो एक कॉइन टॉस करता है और फिर हिनाता को बोलता है कि उसे गेस करना होगा कि उस कॉइन को उसने किस हाथ में पकड़ा है। दोस्तों ये ट्रिक अक्सर यारू बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, और उसके बाद हिनाता हार जाती है ये ट्रिक। हिनाता इस गेम में हार जाती है और उसके बाद उन्हें युकी को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जब ये सब हो रहा था, उसी टाइम पे जो यूनो होती है वो नोटिस करती है कि जो ये सब गेम वेम चल रहा था, युकी को पकड़ा, युकी को छोड़ा, इस सब टाइम के बीच में अक्सर यारू की डायरी में बिल्कुल भी स्टैटिक चेंज नहीं आया और बिल्कुल भी ग्लिच नहीं आया, जिसका मतलब उसकी फ्यूचर डायरी में फ्यूचर चेंज नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि उन सब की डायरी में फ्यूचर चेंज हुआ था और ग्लिच की भी आवाज़ आई थी। दोस्तों, फिर उसके बाद जब सब अक्सर यारू का सेलफोन देखते हैं तो वो एक नॉर्मल सेलफोन होता है और एक फ्यूचर डायरी नहीं होती है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि वो गेम बस लक के ऊपर जीत रहा था और वो डायरी से फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था। उसके बाद दोस्तों, जो हिनाता होती है वो एक और फाइनल गेम के लिए एग्री हो जाती है युकी की डायरी के एक्सचेंज में। और दोस्तों, उसके बाद जो अक्सर यारू होता है वो एकदम करेक्टली बता देता है कि किस हैंड में कॉइन होता है। उसके बाद दोस्तों, वो फिर जब कुछ करने की और कोशिश कर रहे होते हैं, यूनो जो होती है वो चाकू लेके दौड़ती है हिनाता को मारने के लिए, पर दोस्तों तभी बीच में कूद जाती है उसकी फ्रेंड माओ और वो जो चाकू होता है वो हिनाता की जगह माओ को लग जाता है। दोस्तों, जब चाकू माओ को लग जाता है, उसके बाद युकी, यूनो, अक्साई और कोसाका सारे ऑब्जर्वेटरी से बाहर भाग रहे होते हैं। तभी दोस्तों, जो हिनाता होती है वो अपने डॉग्स को फिर से बुला लेती है और उन पर अटैक करवाती है। दोस्तों, वो सारे डॉग से भाग रहे होते हैं, बच रहे होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही होती है। पर दोस्तों, तभी जो युकी होता है वो वापस आता है हिनाता के पास, उसे देखता है और उसे बचाता है। दोस्तों, वो अपनी फ्रेंडशिप को बचाता है हिनाता के साथ, क्योंकि हिनाता जो होती है वो अकेले पड़ जाती है ऑब्जर्वेटरी के अंदर और वो बहुत लोनली फील कर रही होती है। फिर दोस्तों, फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हिनाता के फादर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने डॉग्स के साथ ही लगे रहते थे और हिनाता और उसकी मदर का बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिनाता वहीं लोनली सी बैठी होती है स्टेयर्स पे, और फिर उसके बाद दोस्तों, जो युकी होता है वो उसके पास आता है और उसकी हेल्प करता है। फिर दोस्तों, यूनो बीच में आ जाती है और वो कहती है कि वो किसी को भी मार सकती है जो भी उसके और युकी के प्यार के बीच में आएगा, चाहे वो हिनाता हो या कोई भी। दोस्तों, उसके बाद जो युकी होता है वो यूनो को शांत कराता है और उसे खुश करने के लिए सबके सामने बोल देता है कि यूनो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। ये सुन के यूनो बहुत ही खुश हो जाती है और एकदम शर्माने लग जाती है।
दोस्तों उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सारे दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तुरंत उनमें से जो डॉग्स होते हैं, डॉग में से एक के कॉलर में से स्पीकर लगा होता है, उसमें से हिनाता के फादर की आवाज आती है। दोस्तों हिनाता का फादर उसे बताता है कि उसका पार्ट सर्वाइवल गेम में खत्म हो चुका होता है और उसे ये भी बताता है कि उसकी फैमिली को यूनाइट करने वाला जो प्रॉमिस था वो भी एक झूठ था। वो उससे माफी मांगता है एक बैड एग्जाम्पल होने के लिए और दोस्तों से वो वॉर्न करता है कि काइंड पीपल शुड नॉट बी ट्रस्टेड। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो काइगो कुरुसु होता है वो उसके रूम में होता है और उसे एक गनशॉट से उड़ा देता है। और फिर दोस्तों जो ब्रीडर डायरी हिनाता के पास होती है उसमें रिपोर्ट आ जाती है ओनर्स डेड एंड। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आप सबके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं एनिमेट टॉपिक्स। इट्स योर बॉय साइतामोपी साइनिंग ऑफ। बाय। लुक एट माय कैप्शन।